सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग के लिए आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। भाइयों बहनों, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जो पेट्रोल को उसकी असली कीमत दिला पाए। पेट्रोल को उसका हक हमने दिलाया है। भाइयों बहनों, ये सीना चौड़ा करने का सिर्फ श्री गंगानगर जिले को ही हक नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे भारत के हर जिले हर शहर में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी, हमारा सीना भी चौड़ा हो गया, हम भी आज देश हित में 100 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। भाइयों बहनों, विपक्ष वाले हमें कहते हैं कि मोदी जी, जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो हमारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर कम चलेगी, आगे नहीं जा पाएगी। मित्रों, मैं रहूं ना रहूं, लोग रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। और इसलिए गाड़ी आगे जानी जरूरी नहीं भाइयों बहनों, ये देश आगे जाना चाहिए। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से देश हित में हमने पेट्रोल की कीमत 100 रुपए की है और आप सब सहयोग करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार थोड़ा देश हित में सहयोग पेट्रोल का हो जाए, उसके बाद डीजल भी देश हित में सहयोग के लिए आपसे 100 रुपए की डिमांड करने वाला है, ये मेरा भरोसा है। भाइयों बहनों, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है जी, ये देश रहना चाहिए, हम तो झोला उठा करके चल देंगे जी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।